दुआ बेटा। जी अंकल, आप आइए ना। समझ में नहीं आ रहा कि बात कहां से शुरू करूं। खैर छोड़ो, तुम हफीज की बेटी हो ना। तुम्हें पता है हफीज मेरा सिर्फ कजन नहीं था, मेरा जिगरी यार था वो। हैरान हो गई ना तुम सुनकर। और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। खैर कोई क्या बताता, गलती मेरी है। जब मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए निकला तो मैंने अपने माजी को खुद ही काट डाला। तुम्हें पता है जब मैं कराची आ रहा था तो हफीज कहता था कि अब तू परदेसी होने जा रहा है। और जब एक दफा कोई परदेसी हो जाता है ना तो फिर वो सिर्फ अपनों पर अफसोस के लिए ही ताल्लुक रखता है। और ऐसा ही हुआ, मैंने दोबारा कभी मुड़कर देखा ही नहीं। जब उसकी डेथ हुई तो मैंने शफीक भाई को फोन किया था सोच के लिए। था नहीं ना यहां पे, मुल्क से बाहर था। बट शर्मिंदा हूं मैं अपने यार से। और उससे भी ज्यादा तुमसे। मुझसे? हाँ बेटा, कि मैं मैं पहचान ही नहीं सका, लेकिन ये सब इस नालायक का कसूर है। अरे अंकल, कैसी बातें कह रहे हैं? ये तो आपके बेटे की मेहरबानी है कि वो मुझे यहाँ लेकर आ गए। खैर अब क्या प्लान है? Honestly, मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा है, और दुआ को भी अभी कुछ टाइम चाहिए। अंकल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सब पर बोझ ना बनूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटियां भी कभी बोझ होती हैं क्या? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कह सकती हो। मैं कोई अच्छा सा रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढूंगा इंशाल्लाह। बारात वापस चली गई तो क्या हुआ? मेरी बेटी हो आजान, तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है कि मेरी बेटी भी है और तुम्हारी कजन। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।